गुड मॉर्निंग गाइस, तो हमारी गुड मॉर्निंग हो गई है। और देखो यहाँ विंडो ओपन करते ही कितना अच्छा नज़ारा आ रहा है ना। मतलब ऐसी मॉर्निंग हो तो क्या दिक्कत है सुबह जल्दी उठने में। अब हम जा रहे हैं पूल पे नहाने। बाय। घंटा एक घंटा कह रहे हैं भैया। किस चीज़ का एक घंटा? सफाई कर रहे हैं ना उसकी पूल की। हाँ। ये देखो बिल्ली, कल रात को मेरे रूम के बाहर सोई, इसने मेरी देखभाल करी। तो रेडी हो के अब हम आ गए हैं इधर ब्रेकफास्ट करने के लिए। मैंने अपना रेडी करा है पोहा, सैंडविच और चाय। अरे चाय के अंदर मलाई है क्या? यार है मेरा सेकंड डे का लुक। तो चलो आज चलते हैं सारे मंदिर विजिट करने। यहाँ पे आसपास में जितने भी मंदिर हैं सब विजिट करने चलते हैं। मैंने आज शूज नहीं डाले हैं क्योंकि बार बार यार फिर रिमूव करने में दिक्कत होती है। ये लेट्स गो। देखो इसका कलर, वो मेरा कलर, बिल्कुल पानी से मिलती मिलती और आसमान से भी कितना प्यारा कलर है ना मेरे कपड़ों का। यहाँ पे कार रेडी हो गई है तो चलो चलते हैं। हमारा टैक्सी का सफर खत्म हुआ, अब हम दोबारा कार वाले हो गए हैं। भाई टैक्सी में इतने परेशान हो गए थे ना, वो स्पीड बढ़ाते ना कुछ, बस धीरे 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 चलते रहो। बाय बाय। आगे तो हम यहाँ आ गए हैं हनुमान जी के दर्शन करने। यहाँ पे पता है माना जाता है कि हनुमान जी के 7 रूपों के दर्शन होते हैं, बट पता है मैंने एक बुक के अंदर पढ़ा था कि हनुमान जी आपको वहाँ पे जरूर मिलेंगे जहाँ राम जी की कथा होती है। जहाँ राम जी का नाम लिया जाएगा वहाँ तो मिल ही जाएंगे। तो बट फिर भी हम यहाँ पे आ गए हैं हनुमान जी के इतने विशाल मंदिर के दर्शन करने। नाइस। भैया बोल रहे हैं ये सबसे बड़ा है दुनिया का मंदिर हनुमान जी का, तो अगर आपको इससे बड़ा कोई दिखे तो आप इनको पकड़ना। मुझे कुछ मत कहना। ये हनुमान धाम, ये इतनी सारी महिलाएं तो सच सच के भी आ रही हैं। आज कुछ स्पेशल डे है क्या मंदिर में? आज कुछ स्पेशल है क्या मंदिर में? सब इतने सच सच के घूम रहे, कितने सुंदर लग रहे हो आप लोग। जी जी जी, हम हम हल्द्वानी से हैं अभी, वैसे अल्मोड़ा से बिलोंग करते हैं। जी जी, अल्मोड़ा नथवा खान से हैं। अच्छा नथवा खान। जी जी जी, मुक्तेश्वर नथवा खान से हैं। बढ़िया भाई, तो सब बड़े सुंदर लग रहे हो एकदम। अच्छा वहाँ पर तो सीजन अभी ठंडा सारा टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पे। हाँ की ऑरेंज वाली प्रॉपर। हाँ इनकी मेन होते हैं। अच्छा हाँ, सबने पहन रखी है और मुझे देखो सबके सेम। हाँ, सब, इनका ही मेन रहता है। अपने शूज उतार उतारने से डर रहे हैं कि इनके शूज चोरी ना हो जाए। पिछली बार इनके नए शूज पहन के आए थे वृंदावन में और वो चोरी हो गए बेचारे, उनका अभी तक सदमा नहीं उतरा। लगा ले कि प्रेम मंदिर में चोरी हुए थे और इतने महंगे शूज थे। वही तो भूले नहीं है अभी तक भैया। छोड़े में उतारता हूँ, कोई उतार चुराते हुए भी शर्मा है। सही है भैया का लॉजिक, खुले में उतारता हूँ कोई चुराते हुए शर्मा जाएगा। चोर को नहीं, चलो भाई तो चुराते ही है। हाँ चलो, अब हम जा रहे हैं यहीं पे। कहाँ जा रहे हैं भैया? हम जा रहे हैं अब रोहित पहाड़ी के घर पे। चलो रोहित पहाड़ी का घर देखने चलते हैं, कैसा घर है इनका। क्या ये इनका वही घर है जो ये समाज को दिखाते हैं या ये किसी और घर में रहते हैं? लेट्स गो। ये है पीला वाला है। ये हमें इस करके लेके आए हैं कि फ्रेश नींबू पानी पिलाएंगे बिना चीनी का, एकदम मीठा मीठा। पता नहीं क्या ही फिर मिलाएंगे उसमें बिना चीनी का मीठा पानी पिलाएंगे तो। ये बाइक है इनकी, रोहित पहाड़ी। नाइस, इतनी सतरंगी की बना रखी है पर इन्होंने सारे कलर डाल दिए इसमें। ये वो मड वाला। अच्छा जी, जो ठंडा लगता है बहुत। वाओ कितना सही है ना, एकदम मिट्टी का पूरा वो कर रखा है। सारा आगे का पुराना वाला घर है ना पूरा। ये 400 साल पुराना घर है। अच्छा, ये जो दीवारें हैं। हाँ आपसे नहीं पूछा ना, मेरा व्लॉग है गाइस, मेरी बातें सुनो बस, इनको ज्यादा आ जाता है व्लॉग में मेरे चैनल का नाम को मकड़ी मेंस है। ये नहीं सुनना ठीक है, इसके लिए भैरे हो जाओ। तो बड़े नींबू है अपने बाग से तोड़ के लाए हो क्या? अच्छा बढ़िया, ठीक है पीछे लेके पीछे। अच्छा ये इनके पर्सनल बाग है। वाओ भैया इन्हें कितना मजा आता होगा ना, ये पर्सनल छोटी सी नदी बह रही है। अभी लीची का, हाँ एप्पल का कौन सा है? लीची है बस, लीची और आम। वाओ पता नहीं इतना अच्छा घर होने के बाद भी क्यों घूमते रहते हैं इधर उधर। मेरा घर हो, मैं तो यहाँ से निकलू भी नहीं एक सेकंड के लिए भी। इसको ही नाला कहते हैं, साफ है मगर ये नहाने के काम आता है। जो हमारा नाला देख लिया भैया इन्होंने। मैं तो कहीं से यहीं पीछे टेंट लगा कैंपिंग करके। हाँ। आके सो जाओ और वापस चले जाओ। वही तो कि चलो हमने कैंपिंग कर लिया, हम वापस चलते हैं अपने घर में सोने। ये अभी तो करना है ना।
मुझे तो ये ऑरेंज ज्यादा लग रहा है नींबू से कम, खटाई बनती है ज्यादा। तो ये रेडी हो गई है हमारी ड्रिंक, कैसी हो रही बहुत अच्छी है, इतनी खट्टी खट्टी एकदम। अच्छा यहाँ पे नदी के मजे ले रहे हैं, इसके अंदर हम पैर डाल डाल के बैठ गए हैं जूस के साथ। भाई ये लड़की देखो घर तक पहुंच गया, नहर में बैठ के पी रही है। तो यहाँ भाभी की थोड़ी सी तबीयत खराब होने लग गई। भैया आप लोग व्लॉग में घुसने का मौका क्यों ढूंढते हो मेरे, आप पहले इतने फेमस हो मेरे व्लॉग में घुस के क्या ही कर रहे हो। तो यहाँ का व्यू देखो कितना प्यारा है, अब हम नैनीताल जाएंगे। क्या है मजाक क्यों उड़ा रहे हो मेरा, ऐसे बोल रहे ये स्टाइल है मेरा। ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं। तो आज ये लोग मेरे साथ पहली बार आए हैं और इन्हें जाम का इतना सामना करना पड़ा, वरना इनके दर्शन बहुत इजीली हो जाते हैं। अच्छा इसीलिए जाम लगा है? कितनी लकी हूं ना मैंने, इन्हें भी जाम में फंसा दिया। क्या है वो तो भैया करते हैं ना, मैं कोई ना करती। हिलाओ भैया, बाली ला के दिखाओ थोड़े से। ठीक है हिला दिए, ओके कूल। बड़ी चावल की स्टॉल है और हम सब इतना कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम इसे अभी खाएं या फिर हम दर्शन करने के बाद खाएं। तो आप क्या चाहते हैं, हम अभी खाएं या फिर इसे दर्शन अभी खाएं? कमेंट तो वो बाद में ही होंगे, तब तक तो हम भूखे मर जाएंगे। बताओ आप क्या चाहते हो कि कमेंट की, अरे कमेंट नहीं कि हम अभी खाएं या फिर दर्शन करने के बाद खाएं। हमारे पास बहुत सारे भूखे हैं गाड़ी के अंदर। भाभी अभी इतनी खुश हो गई थी कि अभी खा रहे हैं, बट फिर अब गाड़ी आगे चली गई तो इनकी खुशी भी खत्म हो गई। बट मैं सही में बता रही हूँ बहुत ज्यादा भूखी हूँ, मतलब मेरे पेट से भी आवाज आई जा रही है, सर में दर्द बनी। हमने तो सुनी पेट से आवाज, मेरे कानों तक आ रही है ना, बस इतनी तेज आवाज नहीं है, मेरी घेंट की ज्यादा आवाज है तेज, तो वो सुनाई देगी, पेट की नहीं सुनाई देगी। कितना अच्छा होता है, इन्हें सब जानते हैं, जानते यहाँ पे बहुत सारे भक्त कैलाश खैर बोल रहे आप इनको। और बता नहीं रहे होगी आप, कितनी लकी है ना हम लोग, हमारे साथ कैलाश खैर जा रहे हैं। एक बार बाल खोल के हिला के दिखा दो तो अब फिर जनता को यकीन होगा कि सही के कैलाश खैर रहे हैं। नाइस। तो इतने जाम में फंस के आखिरकार हम पहुंच ही गए बाबा के पास। तो अब हमारी एग्जिट हो रही है, हमारे दर्शन हो गए हैं। वो भीड़ नहीं थी, मुझे इतने अच्छे दर्शन हो जाएंगे बिल्कुल भी नहीं टाइम लगाया, इतनी भीड़ देख के पीछे से लगा अच्छा खासा टाइम लगेगा, बट जल्दी हो गया, सही था एकदम, अच्छे से हो गए। ये नदी है वो जिसमें से बाबा जी ने तेल बना दिया था, तेल खत्म हो गया था कुछ करने के लिए। वाओ अमित भैया की इतनी तारीफ के बाद हम यहाँ पे पहुंच ही गए कड़ी चावल खाने के लिए, चटनिया है ये। यहाँ पे हमारे कड़ी चावल रेडी होके आ गए हैं, उधर भैया की खुशी ठिकाने नहीं है बिल्कुल भी, वो इतने ज्यादा खुश हैं खा के, अब हम भी खा के देखते हैं कैसे हैं। आ गया मिक्स, मैंने तो कड़ी और राजमा दोनों मंगाए हैं क्योंकि अब इतनी तारीफ सुनी है तो खा के तो देखूं दोनों में से क्या अच्छा है। कड़ी चावल नहीं खा के देखा तूने? अभी कुछ भी नहीं खाया मैंने, चटनी भी डलवाई है मेरे, चटनी आ रही है ये देखिए आ गई। लाओ लो दो तीन पैकेट लाओ चटनी के। तुम लोगों ने भांग के पकौड़े खाए होंगे, आज भांग की चटनी खाओ। वाओ भी नहीं खाई पकौड़े। अरे भैया कपड़े गंदे कर लिए, इतने अच्छे हम इतनी मुश्किल से हमें रूम मिला, अब हम जा रहे हैं मोमोज खाने। भाभी की इच्छा हो रही थी कि चलो मोमोज खा लेते हैं, ठीक है। मुझे लगा मैं अपना एक कुछ भूल गई, बट मुझे याद आया कि कार के अंदर ही है, फिर मुझे शांति मिली है। तो ओके यार पर्सनली मुझे तो नैनीताल इतना नहीं अच्छा लगा, मैं फर्स्ट टाइम आई, बहुत ज़्यादा रश है। कहीं घूमने आ रहे हो तो पर्पस ये होता है ना कि एकदम शांति हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बहुत ही भीड़ है। वो मोमोज की शॉप हमको मिल गई है, तो यहाँ पे भीड़ है इसीलिए हमने यही सिलेक्ट करेगी, यहाँ पे अच्छे ही होंगे इसीलिए भीड़ खड़ी हुई है। अब तो मार्केट शांत हो गया ना, पहले भी कितनी भीड़ थी। अच्छा हाँ ये तो वैष्णो देवी जैसा लग रहा है। देखो भाई यहाँ पे वेकेशन करने आएंगे तो क्या ही वेकेशन होगी, यहाँ पे हमारी इतनी भीड़ में ना चलने की जगह ना कुछ।
बहुत से ज्यादा भीड़ है, ऐसा लग रहा है पूरे जगत के लोग आ गए यहीं पे। तू जो जुदा हो गई, तेरी सदा खो गई, देख ले जिंदगी हाँ क्या से क्या हो गई। जब से बिछड़ा हूँ, जब से कहता हूँ, इतना सुना है मेरा जहाँ मिलता नहीं कोई तेरा निशा। आया लिरिक्स ही नहीं याद होती। चलो भैया बैग सीट लेते हैं, यहाँ पे मेरा बैग वगैरह सब रेडी है। भाभी जी भी अपने खाना जी के साथ रेडी। क्या ऐसे क्यों खड़े हुए कर? हम आपका वेट कर रहे हैं, आप हर कितना झूठ बोल रहे हो। चलो ठीक है, चलते हैं अब बाहर घूमने नैनीताल। तो भाई इतना चलने के बाद हम आ गए हैं अपनी पार्किंग के पास। अब यहाँ पे सामान फिट कर रहे हैं, ये बेचारे टूटे फूटे लोग भी आ गए हैं और मेरी शक्ल का नूर ही चला गया इतना पैदल चलने के बाद। चला नहीं जाते यार पैदल, क्या करूँ। जैसे प्यासे का कुआं मिलता है हमें भी खाना मिल ही गया। भाभी नाराज हो गई थी इसीलिए भैया को जहाँ तो भैया को जहाँ पे भी कुछ दिखा इन्होंने रोक लिया। तो हम सब ने मतलब मैंने तो चीज सैंडविच ऑर्डर करा और पता नहीं इन लोगों ने क्या क्या ऑर्डर करा है। आज मिली है 3 दिन बाद चाय, अच्छी चाय जिसे पीने में मजा ही आ गया। आज भैया ने इतने दिन बाद सच्ची बात बोली कि चाय सही में ही अच्छी है, वरना तो हर चीज को बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है और दिमाग खराब पीते ही। दांत का डॉक्टर भाई, ये वाला मोमो है, ये वाला मोमो है दिल्ली में कहीं नहीं मिलेगा। देखिए भाई ये वाला मोमो है, ये थोड़ी बोला था मैंने कहीं नहीं मिलेगा दिल्ली में, ऐसे बोला था। अब ये चाय के लिए भैया ने पहले कहा था कि अच्छी करके अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी है भैया, कोई चीज कह दे गलत। स्पेशल मिर्ची वाला पराठा आ गया, मैंने इसके अंदर बहुत मिर्ची मिर्ची भर देना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आंटी ने अच्छी खासी मिर्ची भर दी है। क्या मेरा पराठा खाना चाहोगे? खा तो रहा हूं। थैंक यू सो मच आंटी मेरे बोलने पे 1,00,000 मिर्ची भरने के लिए। कुछ भी ऐसे सारा खाना पीना खा के चलते हैं। थैंक यू सो मच आंटी, बहुत ही टेस्टी था सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, चलो ओके बाय बाय। चलो अब हमें अब हमें यहाँ पे छोड़ते हुए पूरी पूरी सीट पे बैठते हुए चलते हैं अपने घर की ओर। बाय बाय सब, हम दिल्ली पहुँच चुके हैं। कोमल मुझे लेने आ गई है और मुझे पहला कॉम्प्लीमेंट मिल गया है कि तू कितनी ब्लैक होके आई है। यार क्या करें, बाहर घूमते हैं तो कलर तो डाउन होता ही है ना, कितनी भी सनस्क्रीन लगा लो कुछ भी असर करता ही नहीं है। तो ईस्ट एंड वेस्ट, दिल्ली ईस्ट वेस्ट कितना भी घूम लिया, दिल्ली में आके तो सुकून है, मजा ही आ गया। अभी अपने एरिया में नहीं गई ना मैं, अभी यहीं इसलिए मुझे यहाँ पे तो बहुत ही मजा आ रहा है। ये थोड़ा थोड़ा अपर लेवल का एरिया, मतलब अपर नहीं पर उधर से अच्छा है जो हमारे वाले एरिया है। तेरा नहीं है ये, तेरा अंदर है चप्पल मार्केट में, ये तो हम तभी रोड पे ही घूम रहे हैं। कोई बात नहीं भाई, यू नो एक थोड़ा सा नाम हो जाए तो सब उसका अपना दोस्त पता आने लग जाता है, ऐसी इसकी बात है, थोड़ी तारीफ करती तो मेरा ही एरिया, मेरा ही है।